हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने मेरी फ्रंट गार्डन में क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। तो ये सब जो पॉट है ना, ये छोटे छोटे पॉट है, इसीलिए मैं एक हाथ से यहाँ पर मैंने नीचे रख पाया है। और आपको पता है फ्रेंड्स के मेरे हाथ में चोट लगा था, फ्रैक्चर हुआ था, तो इसके कारण मैं बहुत दिन से मेरे गार्डन में काम ठीक से कर नहीं पाई थी। तो 1 महीना हो चुका है, अब थोड़ा ठीक हूँ, फिर भी मैं दाएं हाथ से भारी कुछ नहीं उठा रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड से मैंने बाएं हाथ से एक एक पॉट को यहाँ पे नीचे रखा है। सभी ये छोटे छोटे पॉट हैं, 3 4 5 इंच के पॉट हैं, तो मैंने यहाँ पे बाएं हाथ से ये सब पॉट को रखा है। लेकिन जो बड़े बड़े पॉट हैं ना, वो सारे पॉट को ऐसे स्टैंड के ऊपर, मैंने प्लांटर स्टैंड के ऊपर रखा है। और बस जो भी धूल वगैरह हो गए हैं ना स्टैंड के ऊपर, थोड़ा झाड़ू लगाया है और कुछ सूखे पत्ते को मैंने हटाया है, कट किया है। और देखिए नीचे से कितने ज़्यादा ये पत्ते गिरे हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से क्लीनिंग का काम नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। और अब मेरा मन हुआ आज के मैं क्लीन करूं। और ये विंडो सिल के ऊपर भी मैं रोज़ पहले मैं क्लीन करती थी, तो कुछ दिन से ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, तो धूल वगैरह हो गए हैं। वही मैं काम आज करने वाली हूँ, थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो प्लांट है ना, ये ड्रेसिना के बहुत ज़्यादा पत्ते सब सूखने लगे थे, तो मैंने कुछ पत्ते को कट कर दिया है। और ये देखिए, और मुझे तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे क्लीन रखना मेरे गार्डन को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कर नहीं पा रही थी, मेरे हाथ में चोट लगा था इसीलिए। लेकिन अब मैं आज मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, घास जो भी उगाए है ना, उसे मैं हटा रही हूँ। कुछ तो इसमें सीड से पर्सलिन के कुछ प्लांट्स निकल आए, लेकिन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना ये पर्सलिन पोर्चुलाका के प्लांट, इजी ग्रोइंग प्लांट है, तो हटाना पड़ता है। और यहाँ पे सारे प्लांट को, अब मुझे कुछ प्लांट को मैंने क्लीन किया है, अब क्लीन करना बाकी है। और बूंदे भी गिर रही थी बारिश की, और बारिश भी होगी आज, बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, तो बारिश आ जाने से पहले मुझे ये काम कर लेना है। लेकिन मैं आपके साथ पूरा मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा सा आपके साथ ये थोड़ा झाड़ू लगाने का काम करती हूँ। तो एक ही हाथ से मुझे ये काम करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि दाएं हाथ से अभी भी मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन गार्डन में प्लांट के साथ मतलब रहे बगैर भी मैं नहीं रह सकती, मतलब कुछ काम करे बगैर, तो बाएं हाथ से ही मैं कर रही हूँ। और पहले जैसे प्लांटर को, एक एक प्लांटर को क्लीन करना, फिर नीचे रखना, फिर क्लीन करना, ये सब करती थी, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाती हूँ। तो और ये जो कोलियस के प्लांट है ना फ्रेंड्स, जब इसमें फूल आते हैं ना, फूल को रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसकी ब्यूटी होती है इसके लीव्स में ही, फूलों में नहीं। तो फूलों को हटा देना चाहिए, और जो ऊपर से जो छोटे छोटे दो पत्ते दिखाई देते हैं ना, उसे कट कर देना है। ऐसा करने से ना प्लांट घना होता है, बुशी सा लुक देता है, नहीं तो ये लंबा सा हो जाता है। तो ये सारे प्लांट को एक एक करके मुझे क्लीन करना है, फिर स्टैंड के ऊपर रखना है। छोटे छोटे पॉट है इसीलिए मैं ये नीचे रखा है, नहीं तो जो बड़े बड़े पॉट है ना, उसे तो बिल्कुल भी एक हाथ से मैं ना तो नीचे रख सकती हूँ ना ऊपर रख सकती हूँ, इसलिए बड़े पॉट को ऊपर ही रखा है। थोड़ा जो भी मतलब सूखे पत्ते हैं हटा रही हूँ, और मैं छोटे छोटे प्लांटर को नीचे रखा है, और क्लीन करके फिर मुझे ये जगह पे फिर से रख देना है। ठीक है, तो क्लीन करने के बाद आपको एक झलक मैं दिखा दूँगी मेरे ये गार्डन को। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे प्लांट है, प्लांटर है, ये 5 इंच के पॉट है। ठीक है, तो इसे मैं, और जो बड़े पॉट है ना, उसे मैं स्टैंड के ऊपर ही रख रही हूँ। छोटे प्लांटर को नीचे रखा है, मैं क्लीन करके फिर से मैं स्टैंड के ऊपर रख दूंगी, और अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, और ये जगह को मैं क्लीन करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है। तो एक हाथ से ही मैं कर रही थी ना, तो मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बना सकी। तो मैंने क्लीन कर लिया है, और सारे लिप्स के ऊपर मैंने पानी भी दे दिया है, और मेरा प्लांट बिल्कुल चमक रहा है। बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से मेरे फ्रंट गार्डन को मैं क्लीन कर पाई हूँ। और मुझे क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लीन करने के बाद जब मैं देखती हूँ मेरे प्लांट्स को, आंखों को सुकून मिलता है, और सारी थकान मेरी दूर हो जाती है। तो बस आज आपके साथ यही शेयर करना था फ्रेंड्स, मेरा फ्रंट गार्डन। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़
सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए मेरा गार्डन अब कितना फ्रेश, कितना क्लीन, कितना हेल्दी दिख रहा है। और ये डेविल्स बैकबोन के प्लांट भी देखिए, ये प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है, ये वेरीगेटेड है। तो वेरीगेटेड के भी कुछ टाइप्स के प्लांट मेरे पास है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ओके बाय।